नमस्कार, आप फिर से जुड़ चुके हैं गुलिस्तान न्यूज़ के साथ और मैं हूं प्रिया राजपूत। जम्मू कश्मीर में तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल आशंका लगा रहे हैं कि क्या बकरी ईद के दिन जो कुर्बानी जानवरों की होती है वो होगी या नहीं होगी, क्योंकि कुछ फेक न्यूज़ भी आ रही है सामने और लोगों में मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जो कि एक रिक्वेस्ट की गई थी। फिलहाल इस पर तमाम जानकारी हम लेंगे हमारे संवाददाता अमजद से। जी अमजद, बताइएगा कि जिस तरह से एक नोटिस भी फिलहाल सामने आया था मिसकम्युनिकेशन होते हुए लोगों में नज़र आ रहा है, वो एक रिक्वेस्ट थी, पर आम लोगों को लग रहा है कि बकरी ईद के दिन जो होती है उस पर बैन है, तो इस पर तमाम जानकारी दीजिएगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई ऐसी बात सामने आई है जहां पर बैन लगाने की बात हो। देखिए प्रिया, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर, लगातार सुबह से ही एक ऑर्डर सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा था कि जो कुर्बानी है उस पर बैन लगाया जाएगा। सोशल मीडिया पे अगर आप ओपन करें, आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पर एक पोस्ट, एक लेटर सर्कुलेट होता हुआ नजर आएगा, जिस पर वजाहत की है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने। यहाँ के एक निजी न्यूज मैगजीन से बात करते हुए कहा है कि कोई ऑर्डर नहीं बल्कि एक लेटर था, जिस लेटर में ये बताया गया था कि जो फॉर्मुलेशन है, यानी एक तरीका बनाया जाए कि किस तरह से इन जानवरों को ट्रांसपोर्ट किया जाना है जम्मू कश्मीर के अंदर, ताकि किसी भी तरह की कोई इलीगल किलिंग किसी जानवर की। आपको याद होना चाहिए कि आज से पहले हमने कहीं पर ऐसा देखा है कि जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर्स आते हैं, आप काजीगुंड कश्मीर की बात करें या फिर लखनपुर जम्मू की बात करें, कहीं पर ऐसा हुआ है कि जो इलीगल ट्रांसपोर्ट या फिर स्मगलिंग के केसेस हैं वो देखे गए हैं और जानवर रिकवर भी किए गए हैं। उसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ समय पहले एक ऑर्डर जरूर आया था जो इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक लेटर भेजा गया था डिपार्टमेंट्स में, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री और साथ ही साथ फिशरीज डिपार्टमेंट और एनिमल वेलफेयर बोर्ड को एक लेटर भेजा गया था जिसमें बताया गया था कि रोका जाए ऐसा इलीगल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आने वाले समय में ईद है और ईद के मौके पर जानवर जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह पर कुर्बानी के लिए जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको याद होना चाहिए, इससे पहले जम्मू कश्मीर समेत पूरे हिंदुस्तान के अंदर केंद्र सरकार का एक ऑर्डर लागू हुआ जिसमें काउ स्लॉटर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि इलीगल काउ स्लॉटर्स हर जगह पर देखे जा रहे थे। उसके बाद लगातार ऐसे कई तरह के ऑर्डर्स जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्योंकि धारा 370 के बाद सेंट्रल ऑर्डर्स या अमेंडमेंट्स जो है वो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो जाती है। तो इसी करके अब जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा इस चीज को निश्चित बनाया जाना था कि जम्मू कश्मीर में कोई इलीगल स्मगलिंग, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन या फिर इलीगल किलिंग जानवरों की ना हो, ताकि सरकार की नजर में रहे कि कितने जानवर जम्मू कश्मीर पहुंचे और कितने जानवरों की कुर्बानी हुई, उसका एक खाता बनाया जा सके, एक रिकॉर्ड बनाया जा सके। इसी के लिए ये ऑर्डर जारी किया गया था, जो ऑर्डर किसी तरह से पब्लिक फोरम में नहीं था, यानी जनता के लिए नहीं था कि आप काउ स्लॉटर कर सकें या नहीं, आप केमल स्लॉटर कर सकें या नहीं, इस तरह का कोई बैन का ऑर्डर कहीं पर भी लागू नहीं है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि लगभग जम्मू कश्मीर के अंदर कई तरह के मार्केट्स लगते हैं जहां पर जो जानवर हैं अलग अलग तरह के पहुंचाए जाते हैं डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड से, चाहे आप जम्मू से कश्मीर की बात करें या फिर किसी अन्य स्टेट से कश्मीर की बात करें। वहां पर इन जानवरों को पहुंचाने के बाद कोई हिसाब किताब नहीं रहता था कि कितने जानवर स्लॉटर किए जा रहे हैं, और कई जगहों पर तो इलीगल स्लॉटर भी होता था, जो जानवर एक तरह से कुर्बानी के लिए यहाँ पर पहुंचाए जाते थे उनकी रेट्स अलग होती हैं, और जो जानवर जम्मू कश्मीर सेल के लिए लाए जाते हैं यानी मटन शॉप्स वगैरह पे, उनकी रेट्स कुछ अलग होती हैं। तो उसकी वजह से एक बड़ा गैम्बल हो रहा था जम्मू कश्मीर में, जिसको रोकने के लिए पूरी तरह से नजर रखी जानी चाहिए, ऐसा एक ऑर्डर बता रहा था। और ये बताया जा रहा था साथ ही साथ कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलीगल स्लॉटर है, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन है, उसको रोका जा सके। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जो इम्प्लीमेंटेड लॉज हैं, जिसमें सेक्शन 298A, 98B और 98C और 98D के तहत रणबीर पिनल कोड के तहत आने वाले ये जो लॉज हैं, ये इम्प्लीमेंटेड थे, जिनमें काउ स्लॉटर का पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लग रहा था, लेकिन उसको हटा दिया गया, एबॉलिश किया गया था साल 2019 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया था जिसमें जो बैन है काउ स्लॉटर पे या फिर कैटल स्लॉटर पे एंटायरली, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एबॉलिश कर दिया था। यानी अगर ये ऑर्डर लागू हो जाता तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की दी गई जो भी आदेश है उनका उल्लंघन होता, और जम्मू कश्मीर में एक तरह के हम कहें तो खलबली मचनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि एक मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट होने के नाते जम्मू कश्मीर में ईद बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है, और अगर ऐसा ऑर्डर जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट हो जाता तो शायद कहीं ना कहीं आने वाले समय में माहौल में थोड़ी बहुत, क्योंकि आम जनता भी काफी नाखुश थी, क्योंकि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि वो जो नोटिस सामने आया हुआ वो है क्या, तो मिस कम्युनिकेशन की वजह से काफी नाराज भी लोग दिखे, तो सोशल मीडिया में भी काफी ऐसे पोस्ट दिखे हैं जहां पर बैन ना लगाने की मांग भी हो रही थी। फिलहाल ये चीज साफ होगी कि कोई बैन नहीं लगा हुआ है उस पर आप ये भी बताइएगा कि फिलहाल कोरोना महामारी के जो आंकड़े आ रहे हैं पिछले 24 घंटे में फिलहाल कमी तो आई है, तो किस तरह से बकरीद की जो त्यौहार है मनाने के लिए गाइडलाइंस तैयार होनी चाहिए, इसके बारे में बताइए।
देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की गाइडलाइंस इशू हो चुकी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 के जो केसेस हैं उनमें कमी तो है, लेकिन कमी के साथ साथ उसमें एक चीज ये भी देखी जा रही है लगातार कि केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, और किसी भी तरह की अगर हम कहें तो सावधानी से अगर लोग हटे तो फिर कोई बड़ा यहाँ पर एक हम कहें तो आंकड़ा दोबारा से देखने को मिल सकता है कोविड-19 का। इससे पहले हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पब्लिक प्राइवेट जो प्लेसेस हैं जिनमें टूरिस्ट काफी ज्यादा जा रहे थे, पहलगाम गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, उस पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी वीकेंड्स पर सैटरडे संडे जिस तरह से रश काफी सारा इन जगहों पर जा रहा था तो उस पर वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बीते दिन श्रीनगर के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है एजाज असद, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया और उसमें कहा कि किसी भी तरह का हमारा अगर जो सिक्योरिटी है या कोविड-19 के जो प्रिकॉशन है उनमें कमी देखने को मिली तो शायद हम लोगों के लिए वो सुसाइडल हो सकता है, बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद लोग हैं उनसे अपील भी की गई कि पूरी तरह से अपने SOPs गाइडलाइंस को फॉलो करें, और कई जगहों पर यह भी बताया जा रहा है कि शायद आने वाले समय में जो ईद की नमाज उसमें कुछ प्रतिबंध जरूर रखे जाए कि एक लिमिटेड नंबर बताया जाए लोगों का कि कितने लोग वहां पहुंच सकते हैं नमाजों के लिए, क्योंकि हम लोग लगातार तीसरी बार देख रहे हैं अब कि कोविड-19 के माहौल के बीचों बीच जम्मू कश्मीर के अंदर ईद मनाई जानी है, और इस ईद के त्यौहार में लोग नमाजों के लिए सबसे ज्यादा जाते हैं, जो इस्तेमाई नमाजें होती हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर बड़ी जगहों पे। ये देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में, क्योंकि ईद में भी अभी कुछ ही दिन रह चुके हैं, कि किस तरह का ऑर्डर सामने आएगा और क्या पब्लिक प्लेसेस पे जामियाओं में या फिर मस्जिदों में लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, और अगर दी भी गई तो कितनी गैदरिंग परमिट की जाएगी, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात रहेगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, और ये हमारे संवाददाता थे जिन्होंने पूरी जानकारी बताई, और ये भी साफ कर दिया है कि जिस तरह से सब लोग ये सोच रहे थे कि जो कुर्बानी होने वाली है उस पर प्रतिबंध लगेगा, फिलहाल कोई भी प्रतिबंध नहीं है। जो बकरीद 21 जुलाई को होगी आप सब लोग वो मना सकते हैं, पर उसमें जो गाइडलाइंस दी गई है SOPs का पालन करने के लिए कहा है, सिर्फ वो आपको ध्यान से करना है, और घर से बाहर निकलते वक्त आपको ये एहतियात बरतना है कि कोरोना महामारी अभी भी हमारे बीच है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आंकड़े भले ही कम आ रहे हैं परंतु अभी खत्म नहीं हुए हैं। श्रीनगर और रियासी दो डिस्ट्रिक्ट में अभी भी केसेस की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जितने भी लोग जो बकरीद मनाएंगे तो ये तमाम एहतियात बरती जो SOPs MHA गाइडलाइन की जो भी दी गई है, तो जम्मू कश्मीर की भी ओर से सेम ही गाइडलाइंस हैं, तो घर से बाहर जाते वक्त आप मास्क भी पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जो है वो जरूर रखिए। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तमाम जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बन रही है, फिर लौटेंगे किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।